SRO 333 निकाला है। बात का जो मेन मुद्दा और मकसद ये है कि सरकार ने जो ये एग्रीमेंट जो हमारे साथ जो SRO 333 निकाला है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्लरिकल कैडर की एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है, क्योंकि 6 मई को जब हमारी कुलिशन सरकार जो थी उसके साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि आपका इशू जो है 4 हफ्ते में हम सेटल करेंगे, लेकिन प्रेजेंट जो सरकार थी, कुलिशन सरकार थी, वो अपना वादा किया हुआ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर चुकी। सरकारें रहने वाली नहीं हैं, कुर्सी रहने वाली भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कैडर के साथ बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड किया है। इसलिए हॉनरेबल गवर्नर से हम अपील करते हैं कि आपने जो ये आर्डर निकाला है, ये क्लरिकल कैडर को जो है, कुछ साथियों को हमारा जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनको तो बेनिफिट हुआ, 80% लोगों को जो इसका इस SRO का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये इशू ख़त्म किया जाए और